याद रखने वाले क्लास से बरकत लेते हैं, जेब में रखिएगा। भूलना खतरनाक बात है, भूलने के बहुत नुकसान होते हैं। अगर आप दूध रख के भूल जाए तो क्या होगा? अगर आप मिस्त्री चला के कपड़ों पे छोड़ के भूल जाए तो क्या होगा? भूलने से नुकसान होता है, जेब में रखिएगा। इसी तरह कलाम को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। अम्मी, मैंने वो कहा था कि मैं नेक्स्ट संडे आपको बताऊंगा, आपके कंडीशन के हिसाब से खुदा आपको तैयार करता है, हालात के हिसाब से आपने प्रे करनी है। इस तरह हर बंदे की बीमारी के हिसाब से उसे मेडिसिन दी जाती है, उसी तरह हर बंदे की प्रॉब्लम के हिसाब से उसकी प्रे होती है। अम्मी, अब आप जिसको सर दर्द है आप उसे कैंसर की मेडिसिन नहीं दे सकते, और जिसको कैंसर है आप उसे फीवर की मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि हर बंदे की बीमारी के हिसाब से उसे मेडिसिन दी जाती है। हाँ, यस। इसी तरह कलीसिया आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको आपकी प्रे होती है, और आपको अपनी प्रे में पोजीशन जो लेनी है वो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से लेनी है। अगर मैं पानी में कूद रहा हूं तो मैं फायर वाले कपड़े नहीं पहन सकता, आग वाले कपड़े नहीं पहन सकता जो आग में पहन कर जाते हैं। और अगर मैं काम करने के लिए जा रहा हूं तो मैं शादी वाले कपड़े जो शादियों में पहनते हैं वो नहीं पहन सकता। कंडीशन के हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं, हालात वक्त के हिसाब से। इसी तरह प्रेम भी इसी तरह है। और अगर इन्हीं पॉइंट्स पर से सीखेंगे, बात करेंगे, और अगर आपने आज वाला मैसेज और पिछले वाले मैसेज दोनों को समझ लिया तो आप बिलीव करो आपको बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगेगी। आमीन। आज हम देखेंगे जब आप फाइट करते हो तो किस तरह हमने फाइट करने, किस तरह हम हारने, किस तरह हम जीते। ये जिंदगी जो आप खुदा में शुरू करते हो आपकी एक जंग शुरू होती है, और आपका एक सफर शुरू होता है जो बरकत खुदा आपको देता है, जो आपकी है वहां तक पहुंचाने के लिए खुदा आपको जो देता है वहां तक जाने के लिए खुदा आपके साथ होता है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए फाइट करनी पड़ती है, जो मैंने पिछले मैसेज में आपको बताया था। आज मैं बोलूंगा कि जो खुदा का कलाम कहता है, हमने किस तरह किस हालात में किस तरह की प्रे करनी है। आमीन। तो आइए खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, मेरे साथ निकाले पुराने अहद नामे में से छठी किताब यशुआ की, निकाले सब निकाले। और मैं हैरान हूं, टीम के बच्चे भी खामोश है, उनको भी पता नहीं पिछली बार क्या मैसेज हुआ, इसलिए कहता हूं डायरी लेकर आया करें। बात करते हैं ना, पता से मैं बोलिया नहीं, अगर आपको पता है तो आप बोले क्यों। छिप आप शुरू से निकल, पहली चलता है, पढ़ेंगे गौर से। जी सर, खुदावंत के कलाम में इस तरह लिखा है, और यरू बनी इसराइल के सबब से नहर मजबूती से बंद था। अब सुनो, समय में मैंने कहा के कलाम, इस तरह पिछले वाला भूल गई है, दूसरा मानुष का ये नहीं भूलना। अब लिखा है यरू जो था, यरू शहर जो था, वो इसराइल के सबब से, इसराइलों की वजह से कि वो आ रहे हैं, उनके खुदा ने उनको कह दिया है कि ये मुल्क तुमको दे देना है, तो लिखा है वो नहायत मजबूती से बंद था, समर्थ तरीके से उन्होंने बंद कर लिया था। और जो यरू के चगीर, जिस तरह हम आज टाउन जो बने होते हैं, सोसाइटीज बनी होते हैं, उनके चगीर आप एक दीवार देखते हो, वो दीवार इस तरह नहीं होती थी। लिखा है राहब का जो घर था वो दीवार पर बना था, तो आप सोचो वो दीवार कितनी बड़ी और कितनी चौड़ी होती थी, कितनी मजबूत होती थी वो दीवारें। और खुदा को पता था, सुनो, खुदा को पता था कि ये दीवारें तोड़ना इंसान का काम नहीं है। और जब उनको पता चला, क्योंकि जब भाई बताते कि जब खुदा ने मिस्र से उनको निकाला तो जो उन्होंने मिस्रियों के साथ खुदा ने किया, और बाकी जो यरू से पहले मुल्क थे उनके साथ किया, बाकी लोगों को पता चल रहा था, जिस तरह आज यूक्रेन और आप देखते रूस की जंग है और बाकी मुल्क सुन रहे हैं कि कौन ज्यादा मारा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इसी तरह उस वक्त में होता था। और इनकी शोहरत फैल
भी थी, पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे उनको पता था कि इसराइलियों का खुदा जब इनके साथ खड़ा होता है तो कोई कंट्री इनके सामने ठहर नहीं सकती। इसी वजह से यरू ने, जो यरू के लोग थे, उन्होंने और ज्यादा वो बाप में मजबूती वाली जो चीजें थी कि वो यरू में एंटर ना हो सके, लिखे उनके सबब से, उनके डर की वजह से उन्होंने नहायत मजबूती के साथ यरू को क्या किया था, बंद किया था। अब सुनो, एक वो प्रॉब्लम जो बड़ी है, जिसमें से आप नहीं निकल सकते, जिसे आप नहीं तोड़ सकते, आपने समझने इस बात, अब वहां खुदा आपको कैसे यूज करेगा, वो प्रॉब्लम जो आपकी ताकत से बाहर है। अब ये दीवारें तोड़ना इज़राइल की ताकत से बाहर था, वो इन दीवारों को तोड़ नहीं सकते थे, और खुदा इस बात को जानता था। कभी भी खुदा आपकी बर्दाश्त से ज्यादा बाहर बताती है, आपसे क्या मिलेगा, लेकिन जब वो आपको बताते तो आपकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं, कभी नहीं ऐसा करेगा, खुदा की नेचर ऐसी नहीं। खुदा आपसे वो काम करवाएगा जो आप कर सकते हो, और जो आप नहीं कर सकते उस काम में आपको रखेगा, लेकिन करेगा आप, करेगा वो खुद, नजर लोगों को आप आओगे, लेकिन करने वाला खुदा होगा। अब खुदा ने जहां पे बड़ा टारगेट दिया गया, सुनो, अब ये यरू की दीवार एक बड़ी प्रॉब्लम आप कह सकते हो, एक बड़ी बीमारी कह सकते हो, एक बड़ी मुश्किलात कह सकते हो, एक बड़ा जुल्म कह सकते हो आप इसे, एक बड़ी गुर्बत कह सकते हो इसे, आज के दौर में जिस तरह इज़राइलियों के सामने थी। अब मान लो आपके सामने आपको कोई टारगेट दिया गया कि ये चीज आपकी है, और उसके जगह में एक दीवार बनी है, अब वहां पे आपकी, आपने किस तरह की पोजीशन लेनी है, किस तरह प्रे करनी है वहां पे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं कि वाह हर जगह पे आप ये हो, हर जगह पे ये दुआ नहीं चलती, हर जगह पे ये दुआ नहीं चलती, हर जगह पे रोने से काम नहीं चलता, समझ आ रही है? रोने से एक बार मिलता है, दो बार मिलता है, हर बार नहीं। आप जाओ दुकान में चीनी लेने के लिए, घी लेने के लिए, हर बार रो के दिखाओ, एक बार दो बार तो देगा, देखेगा हर बार रोने से नहीं, कैसा चलता है? सुनो, हर बार रोने से नहीं मिलता, कुछ करने से मिलता है। अब ऐसी कंडीशन में मैं यरू की दीवारों को आज के लाइफ, आज के दौर में इस तरह नहीं कहूं कि एक बड़ी प्रॉब्लम और वो चीज मेरी है, मानो खुदा का ये ऑयल दे रहा है, ये बोतल दे रही है, इसके जहां तक पहुंचने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, अब इसको मैंने कैसे हासिल करने, इसके लिए मैंने कैसे प्रे करनी है, किस तरह रहना है, इस बात का मुझे पता होना चाहिए। अब जो काम आप नहीं कर सकते वो खुदा करेगा, लेकिन उसके लिए खुदा आपको कुछ काम कहेगा। जी आगे बढ़े, गौर से समझना आपने। और यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था, और खुदावंद ने यशुआ से कहा कि देख कि मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, सो तुम सब जंगी पर शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो, छह दिन तक तुम ऐसा ही करना, और सात कहन संदूक के आगे आगे मैदों के सिक्कों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। अब उन्होंने इस तरह बंद कर दिया, जब तक ये इज़राइली टल नहीं जाते, ना तो कोई शहर से बाहर जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। अब खुदा ने कहा कि मैंने उस यरू को जो तेरी वजह से उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि कोई अंदर ना आने पाए, कोई इसमें दाखिल होने पाए, उन्होंने बंद कर दिया है, सुनो मैंने उसके सबर्द सूरमों और बादशाहों को तेरे हाथ में कर दिया। अब कर रहे हैं, तूने सातों कहनों को साथ लेना है। सुनो, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जहां पे आपको पास्टर्स को साथ बिठाना पड़ेगा, प्रेम एल्डर को साथ बिठाना पड़ेगा, प्रेम समझा रही है? हर फाइल अकेले नहीं, ये फाइल अकेले वाली खुदा ने नहीं कहा, ये अकेले वाले नहीं है, ये दीवार बड़ी है, बड़ी दीवारी है और मजबूती से बंद है, इसलिए ये फाइल आपने अकेले नहीं करनी, इसमें सात कहन मेरे साथ होने चाहिए, सात पास्टर मेरे साथ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दुआएं, जब हम करें तो साथ में खादिमों को शामिल करें कि ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, ये यरू की दीवार की तरह, तो
आगे 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 चलने से बना कहानी को कॉपी करो कि किस तरह प्रॉब्लम से निकले। और जिस तरह आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमारा कहानी यीशु मसीह है, उसे क्या करते हैं? बोलो करते हैं, कॉपी करते हैं। वो पहले आया, उसने करके दिखाया और हम उसे फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। आमीन। अब पहली बार जब ये बड़ी प्रॉब्लम है तो मैंने क्या करना है, मैंने किसी पास्टर को साथ बुलाने बिठाना है। वो प्रॉब्लम जिसकी मुझे समझ नहीं आती कि मैं निकल कैसे सकता हूं, वो प्रॉब्लम जो मुझे बड़ी लगती है कि मैं कैसे इस पर गालिब आऊं, मैं किस तरह इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूं, आपको समझ नहीं आ रही, तो खुदा ने खादम जो भेजे इसीलिए भेजे। आप अपने घर बुलाए, आप नहीं घर बुला सकते, आप उसके पास गए, उसके साथ मिलकर एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन मिलकर क्या करें, दुआ करें। और इस बड़ी एक प्रॉब्लम का भी मैं आपको बता रहा हूं, एक कंडीशन बड़ी प्रॉब्लम भी बता रहा हूं, आगे हम देखेंगे अपनी बाइबल में से, और एक का बता रहा हूं भैया। अब उसने क्या कहा, वो क्या करें, नरसिंगा फूके जी और साथ कहें संदूक के आगे आगे मैनों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले, और सातवें दिन तुम शहर की चारों तरफ सात बार घूमना और कहें नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मैने के सिंग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से लड़ा रहे। आगे दस आए से जरा पड़ी, दस आए, ठीक है जी। और यीशु ने लोगों को यह हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। अब ये ललकारने वाली जगह नहीं है, इस शहर को फतह करने के लिए, इस शहर को हासिल करने के लिए ये बोलने वाली जगह नहीं है। यहां पर अपना मुंह क्या करना है, बंद रखना है। आपने कभी अपनी जिंदगी में गौर की, जब बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमारा मुंह मुश्किल से बंद होता है, कोई ना कोई बात निकल जाए, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं किस तरह होगा, पता नहीं इस प्रॉब्लम से मेरी कब जान छूटेगी। तो ऐसी कंडीशन में भाई बताती है अपने मुंह को क्या करने है, बंद रखने है, और बिलीव करने है कि वो खुदा सब कुछ, अपने मुंह बंद रखने। क्यों बंद रखने, क्योंकि खुदा ने आपकी मुंह की बातों में अख्तियार रखा है। जैसा अगर आप लानत देते हो तो लानत मिलती है, अगर आप बरकत देते हो तो बरकत। उनका तुम्हारे मुंह से कोई बात ना निकले, तुम्हारा मुंह बंद रहे, क्योंकि ये फाइट तुम नहीं, तुम्हारा खुदा लड़ेगा, ये दीवारें तुम नहीं, तुम्हारा खुदा गिराएगा। अपने मुंह को क्या कर रहे, बंद रखने। और आप देखें जब बीमारी आती है, बड़ी बीमारी जिसका डॉक्टर्स भी कहते हैं और ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए बचना, ये मुझे काम ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे, तब अपने मुंह को बंद नहीं रखते। ऐसे अपने मुंह बंद क्या रखो, मुंह लगता है काम खराब नहीं हो जाए, मेरी जिंदगी थोड़ी देर आ गई, अब बच्चियां का ध्यान रखी, अब वहां पर अपने मुंह को क्या करना है, कोई ऐसी बात नहीं कहनी, अपने मुंह को क्या करना है, बंद रखना है। मुंह को बंद रखने, ललकारने का वक्त आएगा, जब ललकारना होगा मैं तुमको कहूंगा उस वक्त तुम ललकारना। और हम करते क्या है, जितने ललकारने का वक्त होता है उतने और कुछ बोली दे, तो जितने मुंह बंद रखने का वक्त होता है उतने हमी हमी सुखियां बढ़ गई। कंडीशन आपको बतानी चाहिए। आज मैं हैरान हूं, हजारों मसीही अपने ईमान गवा के बैठ चुके हैं, मैं इतने दिन चर्च जाऊंगा, अगर खुदा ने काम किया तो ओके, नहीं हुआ मैंने चर्च छोड़ दिया। भाई क्यों, क्योंकि खुदा ने मेरे ये काम नहीं किया। एक बहन मुझसे मिली, जब फर्स्ट टाइम मिली उसने कहा मैं दुआ नहीं करती, मैंने कहा रीजन, मुझे कहा मेरी माँ मर गई थी और मैं पूरी रात कमरे में दुआ करती रही, खुदा मेरी माँ को जिंदा कर, उसने मेरी माँ को जिंदा नहीं किया, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ तेरे छोड़ने के बाद, आसमान की दया जमीन फट गई, क्या हुआ, क्या उस दिन से सूर्य नहीं निकल रहा, चांद नहीं निकल रहा, बारिश नहीं हो रही, रात नहीं हो रही, क्या नहीं हुआ तेरी दुआ छोड़ने से, क्या नहीं हुआ तूने खुदा को छोड़ दिया, क्या वो कर सब कुछ तेरे मानने से हो रहा था, तेरी वजह से। आपको समझना होगा
इस तरह के बहुत लोग हैं। मैं अमरीके में गया, वहां पर एक बेटी आई, उसके पाँव में जूता नहीं था। मैंने कहा आप मीटिंग्स में आई हो, आपका जूता गया है। तो मैं नंगे पाँव आ रही हूँ, एक जगह में शादी करने जाती हूँ इसलिए नंगे पाँव आ रही हूँ कि खुदा मेरी उस लड़के के साथ शादी कर दे। सुनो, ये काम उस वक्त होते हैं जब आप अपने खुदा को समझते नहीं हो, जब आपको खुदा की समझ नहीं होती कि हमारा खुदा काम करता किस तरह। मान लो एक बंदे को पता ही नहीं दरवाजा खुलता कैसे है, तब वो जा रहे दरवाजा खुले है लेकिन उसे खोला नहीं आता और वहां वेट कर करके वापस आ जाता है, तो वो मालिक को नहीं पूछ सकता, मालिक से गिला नहीं कर सकता क्योंकि उसने खोला है। अब तुम्हें आना चाहिए, उसने लॉक को खोल दिया, अब दरवाजा खोलना तुम्हें आना चाहिए। आमीन। आपको पता होना, अभी मैं जो चेन्नई में ऑफिस बनाया, मैं वहां पे प्रे के लिए गया, तो आप यूट्यूब में गेम सुनना चाहते थे, अब एलईडी लगा रहे थे और रिमोट को मैं दूसरी तरफ करके चला रहा था, जिस तरफ उसका सेंसर नहीं था उस तरफ मैं नहीं कर रहा था, और मैं कितनी देर लगा रहा, मैंने कहा यार कैसे चलती है, अपने सेल बदले बड़ा कुछ किया वो नहीं चली। अच्छा मैं पेप्सी देने के लिए चलेगा, तो वापस आया, बच्चों ने यूट्यूब पे गीत लगाए, मैंने कहा यार आपने कैसे लगा ली, मैंने कहा एक साइड में सेंसर है उसकी तरफ करना पड़ता है फिर चलती है। अब मैंने समझा अरमोडी ठीक नहीं है, बदलना पड़ेगा, सेल बदल के देखे लेकिन नहीं चला। प्रॉब्लम उसमें नहीं थी, प्रॉब्लम मुझमें थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। इसलिए इसी तरह क्रिश्चियन प्रॉब्लम बाद में होती है, आपके खुदा में नहीं। ये नहीं कि आपके खुदा को काम करने नहीं आता, आपको काम लेना नहीं आता, आपको पता नहीं होता कि इसका सेंसर किस तरह है, काम किस तरह होता है। अरे मैं समझता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी को बड़ा समझता हूँ, मैं बड़ा इस तरह करता रहा, नहीं मैंने कहा क्या है यार, आप जहां से भी कुछ भी कहोगे वो कर देगा, नो वो इस तरह का खुदा नहीं। उसने एक तरतीब एक नक्शा बनाया है, अगर आप उस नक्शे से बाहर हो तो आप उन बरकतों से भी बाहर हो। अब यहाँ पे एक पूरी तरकीब बना ली उसने, कहा करना क्या है, यरू की दीवारें गिरेंगी लेकिन साथ क्या है, मेरे साथ होना चाहिए अहद का सुदूक होना चाहिए, और जो तेरे साथ जाए वो मसा शुदा लोग होने चाहिए, और उनको बोल देना 7-6 दिन अपने मुंह को बंद रखना, कुछ नहीं बोलना। तुम्हारे मुंह से कोई आवाज ना आए, खामोश रहने, बस ने सिंगे फूके जाएंगे, चक्कर लगाने वापस आ जाने, कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद रखने। अगर दीवारें गिरती हुई देखना चाहते हो तो अपने मुंह को बंद रखने। आज हम चाहते हैं गिरे बहुत कुछ गिरे जो हमारे जगीर्द शैतान ने बनाए हैं, लेकिन हमारा मुंह बंद नहीं होता कलीसिया, हम अपने मुंह को खोलते हैं जिस वजह से वो चीजें गिरती नहीं। मुंह का बंद होना बहुत ही, आपने कभी नोट किया है हमारा मुंह बंद होता है मुश्किल हालात में, कभी अपने मुंह को बंद किया, हस्बैंड ने मुंह बंद कर लिया, वाइफ मुंह खोल लगी, चुप करके बैठ गई हो, पता नहीं है कैसे होगा, वाइफ चुप कर गई, हस्बैंड ने मुंह खोल लिया, दोनों चुप कर गए, बच्चों ने मुंह खोल लिया, शैतान मुंह नहीं बंद होने देगा। फाइट जीतने के लिए दीवारें गिरे, आपको अपने हिसाब से नहीं खुदा के हिसाब से चलना होगा। समझ आ रही है, जब आप उस तरह फाइट करोगे, अभी अपने मंडे को फास्टिंग स्टार्ट की कि जिनके बेबीज नहीं उनके बेबीज हो, और मैंने बच्चों को कहा खुदा ने बेबीज दे दिए हैं, अब ये प्रे नहीं करनी बेबी दो, अब प्रे करनी है जितनी भी काम है वो खत्म हो। अभी 8 दिन ही हुए, 2 लड़कियों को खुदा ने ब्लेस भी कर दिया, 20 दिन की फास्टिंग, अभी हफ्ता नहीं हुआ और 2 लड़कियां ब्लेस हो चुकी है। उन्होंने कहा हमने खुदा ने ब्लेसिंग दे दी, तरीका आना चाहिए आपको, तरीका आना चाहिए। अब जब खुदा ने कह दिया मैंने यरू दे दिया, अब उन्होंने कहा ओ खुदा मुझे यरू दे, मुझे कहा यरू दे दिया है, अब फाइट करनी है, मुझे कहा जबरदस्त सूरमों और बादशाह को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है, यरू दे रहा है। खुदा कह रहे हैं पढ़िया ना सचिन, यरू दे रहा है, जो तो तुम कुछ चीज दवे उस तो बाद ताड़ा काम में जी तरतीब तुम दवे उस तरतीब से भी तुसा खुदा ने कहा यार वो आपका है, लेकिन उनको एक तरतीब भी दी, उन्होंने कहा यार वो आपका है, कहनों के पीछे पीछे रहने आपने,
उनको बोलो कह रहे हैं वो आगे के चलेंगे। अहद के संदूक को आपने अहद के संदूक के पीछे चला। अहद का संदूक क्या था? जिसमें खुदा के हुक्म थे। आज ये है अहद का संदूक, ये अहद है। आपने इसके पीछे पीछे अगर वो कहते नहीं 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 अरे यरू देख लिया हम अहद के संदूक के पीछे नहीं चलेंगे तो यरू उनको ना मिलता और वो दीवारें। आज आप ललकान दो लेकिन क्या इस अहद के संदूक के पीछे आप चल रहे हो? क्या आप इसके पीछे हो? क्या आप इसके पीछे पीछे जा रहे हो? जिधर जिधर ये आपको ले जा रहे हैं आप उस तरफ जा रहे हो? अगर आप उस तरफ नहीं जा रहे तो आपके चक्रों का आपको फायदा नहीं हो रहा। जो कलीसिया आप लगा रहे हो उसके चक्र वो दीवारें नहीं गिरेंगी। आप देखते रहोगे नहीं गिरेंगी, तब गिरेंगी जब आप अहद के संदूक के पीछे पीछे। देखे कोई पिता लेने जाते थे पहले अहद का संदूक वहां पर पूछाया जाता था और जब अहद का संदूक आता था तो इसराइली आर्मी दलेर हो जाती थी। वो आज आप हो अहद के पीछे, क्या आप चल रहे हो? किसके पीछे हम चल रहे हैं? आज अपनी मर्जी से आप चक्कर लगा रहे हो। देखा तुम्हारे मुंह क्या होने चाहिए? बंद होने चाहिए। तुम्हारे कोई आवाज ना निकले। जब ललकार ना होगा मैं तुमको बताऊंगा। अपने मुंह बंद रखा करो। जब कोई बीमारी है अच्छा बोला करो, जब कोई मुश्किल हालात है अच्छा बोला करो, उस तरह मुंह ना खुला करो। अगर खुदा ने कहा मैंने ये तुमको दे दिया है, अब जो खुदा ने आपको दिया है उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो खुदा ने पहले खुदा ने यीशु से कहा भाई ये यरू मैंने तुझको दे दिया, यरू का बादशाह उसके जबरदस्त सुरमा मैंने तेरे हाथ में कर दिए। उसके बाद एक प्रतीत बताई सात कहन आगे होंगे, अहद का संदूक उनके पास होगा तो उनके पीछे होगा। सात दिन छह दिन तुम्हें कुछ नहीं बोला, सातवें दिन सात चक्कर लगाने, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने ललकार वो दीवारें। उसके बाद एक तरतीब देगा, ए बेटा मैंने तुझको ये बरकत दे दी, तू तौबा कर, तू बपतिस्मा ले, तू चल जाया कर, तू दुआ करा कर। अगर तू कह अगर आप कहो ओ खुदा ने तो मुझे दे दिया, मुझे तौबा करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं, दुआ करने की कोई जरूरत नहीं, तो वो आपको नहीं मिलेगा, दीवारें नहीं गिरेगी। अब उसने कहा यरू दे दिया दीवारें गिरेगी, लेकिन इस प्लान को फॉलो करना है। प्लान की करना है फॉलो करना है, इस प्लान पे चलना है। आमीन। अब सुनो ये गए वहां पर, हम शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेंगे। जी सर जी। सो उसने खुदावंत के संदूक को शहर के गिर्द एक बार करवाया, तब वो खैमागाह में आए और वही रात का थी। और यशपाल सुबह सवेरे उठा और कहनों में खुदावंत का संदूक उठा लिया और वो सात कहन मैडम के सिंहों के साथ नरसिंगे दिए हुए खुदावंत के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूटते जाते थे। जिस तरह खुदा ने यशपाल को प्लान दिया सेम उसी प्लान के मुताबिक उन्होंने किया। कोई जल्दी नहीं, खुदा सात चक्कर क्यों है? अगर तू नहीं गुजारा तो एक चक्कर में क्यों नहीं गिरा सकता? सात चक्कर क्यों? अब सुनो यरू के लोग मेरे पर हंसते होंगे, ये क्या कहते हैं? वो कहते होंगे ये देख रहे अगर ड्रामा है आते हैं बस वो बाजा सा बजाते हैं चुप करके चले जाते हैं, कोई बात भी नहीं करते। पहले दिन जब उन्होंने चक्कर लगाया होगा वापस चले गए होंगे, उन्होंने कहा भाई डर गए हैं ये लोग। छह दिन ऐसा ही करते रहे और सातवें दिन उन्होंने फिर सात चक्कर लगाए। जी आगे सोलह ऐसे पढ़ेंगे। चार बाकी आप घर जाके पढ़ लीजिए। और सातवीं बार ऐसा हुआ कि जब कहनों ने नरसिंगे फूंके तो यशपाल ने लोगों से कहा ललकारो क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावत की खातर नीस्त होगा। सुनो उसने कहा ललकारो, जब टाइम पूरा हो गया तो उसने कहा ललकारो। सुनो आपको ललकारना पड़ेगा शैतान को, आपको ललकारना पड़ेगा जो आपके पास नहीं है उसके लिए ललकारो कि ये मेरा है, खुदा ने मुझे दे दिया है। आमीन। आप ललकारो
उसके आपके अंदर रखी है, ललकार उसे खत्म कर दो हर उस बात को जो शैतान ने आपके अंदर रखी है। लिखा है उन्होंने उस शहर को क्या किया, सबको सबको उसने लिखा है उस शहर में उन्होंने कब्जा कर लिया। और सुनो हुआ क्या, ये जंग वो जीत गए। अब ये जंग जब उन्होंने जीत ली तो वहां पर बाइबल लिखा है आगे सात बाप की दुआएं, उससे आगे एक और मुल्क था जिनसे उन्होंने लड़ने जाना था उसके बाद यरु के बाद जी। और यशुआ ने यरु से ऐन को जो बैतेल की मशक की समत में बैत ओवर के करीब वाके है कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, और इन लोगों ने जाकर ऐन का हाल दरियाफ्त किया। अब सुनो अब किस सूरत में मार खाते हो शैतान से, ये समझना। पहली बात जो आपको बताई कि अपने खुदा के हिसाब से चले, कोई उस तरह की बात अपने मुंह से निलकारनी और ललकार में और कहना है ये मेरा है जी। अब दूसरा दूसरा पॉइंट अपने से मिल रहे जी। और वो यशवा के पास लौटे और उससे कहा सब लोग ना जाएं, फक दो तीन हजार मर्द चढ़ जाएं और एक को मार लें। सुनो अब जो जबरदस्त सुरमे थे जिसमें, क्योंकि खुदा ने कहा उसके जबरदस्त सुरमों को मैंने तेरे हाथ में कर दिया, इसका मतलब यरु में जबरदस्त सुरमा थी। अब आगे एक शहर है, अब उनके दिल में यह था कि इतने बड़े शहर में इतने जबरदस्त सुरमों को मार लिया है तो वहां पर तो ये तो छोटा सा थोड़ा सा छोटा सा शहर है, ज्यादा लोगों को जाने की तकलीफ ना दो, थोड़े से लोग जाएंगे अब उस शहर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या जी, सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे क्योंकि वो थोड़े से हैं, चुनाचे लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और ऐन के लोगों के सामने से बाहर आए, और ऐन के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार दिए और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते आए। यशुआ को क्या कह रहे हैं, थोड़े से लोग हमको मार लेंगे, लेकिन जब मार देंगे तो वहां के लोगों ने 36 आदमी इनके मार दिए और इनको भगा भगा कर मारा। रीजन क्या थी सुनो, जो प्रॉब्लम आपको छोटी लगता है इजीली ये काम कर लेंगे, वही काम आपके लिए पहाड़ बन जाता है। तब एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आपको लगता हो इजीली, अक्सर मैंने लोगों को देखा छोटा जा काम है, छोटा जा काम अड़ गया है तो वो भी बड़ी पंक्ति एंड हो जाता है, एंड 5 मिनट का काम है बट हो नहीं गया। सुनो क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा। अब वो अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि वहां पे ज्यादा लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, वो तो छोटा सा है, हम थोड़े से लोग जाएंगे उस पे कब्जा कर लेंगे। और ये जब वहां पे गए 36 लोग भी मरवा लिए और इंसल्ट करवाई, वहां से भागते वापस आए दौड़ते, फिर क्या हुआ जी। और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा, सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। तब यशवा और सब इसराइली बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर उनके पड़े रहे। सुनो अब वो जब उन्होंने देखा कि हम हाथ में तो उन्होंने किया क्या, वो अहद के संदूक के आगे जाके क्या हुए लेट गए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, ओ खुदावंद ये क्या हुआ, हमारी तो बड़ी इंसल्ट होगी, यरु इतना बड़ा इतना मजबूत दीवार है उस पर फतह हमने हासिल कर ली, तूने वो दीवारों को गिरा दिया, लेकिन ये चंद लोग कमजोर से लोग इन्होंने क्या किया, हमें मारा, हमारे लोगों को मारा, हमें भगा दिया, ये इंसल्ट है। आगे 10 आयत में रीजन क्या थी, मार खाने की वजह क्या थी जी जी। और खुदावंद ने यशुआ से कहा उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ओंधा पड़ा है, इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है, उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया। सुनो अब छोटी सी प्रॉब्लम पहाड़ बन गई, गुनाह क्या है, मखसूस की हुई चीजें उन्होंने कहा जो मेरी है वो उन्होंने ले ली,
आज बहुत सी कलीसिया बहुत सी मसीहों की मार खाने के रीजन जो खुदा के है वो खा जाते हैं। आप दसवां खाते हो किसका है? दसवां आपके पैसे का दसवां किसका है? तो छोटी प्रॉब्लम भी आपको पहाड़ लगेगी, बड़ी बड़ी लगेगी। अब इतने बड़े मुल्क को पता कर लिया, लेकिन जब खुदा की मखसूस चीजों में से चुराया खाया तो खुदा ने कहा इन्होंने हुक्म को तोड़ा है, इन्होंने गुनाह किया है। मार खाने की रीजन छोटी प्रॉब्लम पहाड़ बन जाती है। जब आप जो चीजें खुदा की है आप उनको खाओ तो आपको मार भी पड़ेगी और समझ भी नहीं आएगी, पैर किधरों किधरों डेगी, समझ भी नहीं आएगी। हाँ समझ आ रही है? यही रीजन है मार खाने रीजन इना मखसूस कितिया चीजा जेडिया खदा दिया ने ओ उसमें से कुछ ले लिया, अभी सब नहीं ली, कुछ ली कैसी दे 900 हड़ाओ आप मार खाओगे। मार खाने के रीजन मुझे खुदा ने बोल कर कहा कि इसे आपके लिए कि मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको कहा था कि ये साल आपके बढ़ने का साल है और इस साल में आप वो टेस्टिमनी दोगे जो आपने अपनी पूरी लाइफ में नहीं दी और ये टीचिंग के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए मुझे खुदा ने कहा कि मैं आप लोगों को ये बताऊं मार खाने की रीजन आपको फतह हासिल होगी जब आप खुदा कर नहीं खाओगे। थोड़े से लोग जिनको वो समझते थे कि ये कुछ भी नहीं हम इनको मार लेंगे वही उनके लिए प्रॉब्लम बन गए, पहाड़ बन गए, उन्हीं के सामने से उनको भागना पड़ा। वो छोटी प्रॉब्लम जिन पर आप गाली बात सकते हो जो आपको कुछ नहीं लगती आप उनके सामने भी सर पटकते हो, सर पटक बह जाते हो, एक ही हूं यार क्यों नहीं हो रहा है, छोटा सा काम क्यों नहीं हो रहा। रीजन कलीसिया जो उसका है हम उसमें से खाते हैं, यही रीजन है। इसीलिए इनकी ताकत काम नहीं आई, इनका तजर्बा काम नहीं आया, फखर करने जाने पे ज्यादा लोगों को ना भेजो, हमें जाने दो, हम उनको मार लेंगे। लेकिन वहां से मार खा के वापस आए, भाग कर वापस आए, खुदा ने कहा तू क्यों लेता है, तू क्यों इनके लिए रो रहा है, ये नहीं कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैंने इन लोगों को इनके गुनाह की सजा दी है, इन्होंने हुक्म तोड़ा है। खुदा को देना ये किसका हुक्म है? दसवां देना किसका हुक्म है? जो असि नहीं लेंगे कि हुक्म तोड़ने फिर जो मार पी कल तो पी क्या समझते हो एक नसीब है आप फाइट जीत सकते हो, हर फाइट आप जीतोगे, हर एक फाइट आप जीतोगे, हर एक फाइट में आपको पता होगी। लेकिन अगर आप फाइटों के मुताबिक चलते हो एक बात आपने सेहत में रखनी है, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो कलीसिया के जेहन में एक सवाल चलता है, जो लोग तरीके नहीं देते, जो खुदा के साथ नहीं चलते वो लोग इतने ब्लेस क्यों हैं, उनके पास इतना पैसा क्यों है, उनकी लाइफ में कामयाबी क्यों है, बहुत से ऐसे सवाल आप शैतान उनके जेहन में चलाता है। सुनो वो सारी चीजों का उनको हिसाब देना पड़ेगा, हर एक चीज का उनको हिसाब देना पड़ेगा। वो छूटेंगे नहीं जब तक हिसाब नहीं देंगे। भाई भी कह जब तू कौड़ी कौड़ी अदा नहीं कर ले तेरी रिहाई नहीं हो सकती, तू छूट नहीं सकता, वो नहीं छूटेंगे। लेकिन जो आपको खुदा की तरफ से मिलता है उसका आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, कोई भी नहीं। मान लो आपकी एक शॉप है, तुम्हारी एक दुकान है, तुम उसे खान पीने वाली चीजें रखे ने, तुम्हारा बच्चा चुके के खाता है एक चीज, तुम्हारा बच्चा चुके खाता है एक बंदा, तुम्हारे को लैन होता तुम पैसे नहीं देता, तुम्हारे को चीज ले जाता एक, तुम्हारा बच्चा खाता है, खाते च कि लिखो अपने बच्चे का भी नहीं। मैं क्या बच्चे का भी खाते चले हो गए कि जरा बच्चा नहीं, जो बेटा नहीं है वह खाते च लिखा जाएगा और जो खाते खोलेंगे जरा बेटा नहीं वह हिसाब होएगा, जो बेटे खा जाते हैं वह हिसाब होगा। चाहे आप बाकी समझिए नहीं समझ आए, मैं कह रहा हूं मान लो आपकी एक दुकान है और वालिद का बेटा आके वहां पे कुछ चीज खाता है और एक 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 बंदा वैसे आपसे चीज लेने आता है, आप उसको दे देते हो, जब आप खाते में लिखोगे किसके लिखोगे? जो अपना नहीं उसके खाते में लिखोगे। जब हिसाब लोगे पैसे लेंगे तो किन से लेंगे? वालिद के बेटे से?
सुनो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप उसके बेटे और बेटियों और जो आपको देता है उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुदा ने आपको दिया, आप उसके बेटे और बेटी हो। लेकिन अगर आपने उसको कबूल नहीं किया, आप उसके हुक्मों पर नहीं चले, तो जो कुछ आपके पास है जब दुनिया का हिसाब होगा, अदालत होगी, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे लोगों को ना देखो जो आप समझोगे ओ ये तो तौबा नहीं की इसने, ये तो सिगरेट पीता है, ये शराब पीता है, ये फिर भी क्यों कामयाब है, उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। हर एक चीज खाते में लिखी जा रही है, लिख रहा है खुदा हर एक चीज। लेकिन जो उसके बेटे और बेटियां हैं वो लाखों भी दुनिया में रहकर खाएं, उसका कोई हिसाब नहीं। और उसके बेटे और बेटियां वो हैं जो उसके हुक्मों पर चलते हैं, जो उसके हुक्म को मानते हैं। अब इसराइलियों को उन्होंने चुन लिया, उसने कहा तुम मेरी कौम हो, और उनको वो लड़ना सिखा रहे। अब उनको लड़ना सिखाया क्यों, उनको गुनाह करने के बाद जब उन्होंने खुदा की चीजों में से कुछ लिया रख लिया, क्यों खुदा ने उनको मारा कि ये आइंदा ऐसा काम ना करे, मखसूस की हुई चीजों में से रख लिया। ये रुका सारा सोना चांदी बांट दिया है, खुदा ने कहा था कि ये मेरे, ये खुदा के लिए, इसमें से कोई कबीला, कोई बंदा, कोई सोल्जर, कोई लीडर नहीं रखेगा, ये खुदा के। और सुनो, उसी में से एक बंदे ने कुछ कपड़े, कुछ चांदी, कुछ सोना, सोने की ईंट अलग कर ली। और जब आगे गए वो छोटे से शहर से मार खा के वापस आए और अपने लोग भी मरवा लिए। आज छोटी प्रॉब्लम पहाड़ क्यों बनती है, क्यों पहाड़ बनती है? क्योंकि जो खुदा कहे, खुदा का मखसूस है, दसवां हम उसको खाते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ये रीजन है एक्लिसिया। वरना ऐसा नहीं क्या आपका खुदा आपकी दुआओं को नहीं सुनता, या वो आपकी दुआओं का जवाब नहीं दे सकता, या वो काम जो आप कह रहे हो वो आपके खुदा के लिए मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है, खुदा कह नहीं सकता? जमीन पर, आसमान पर और जमीन के नीचे कोई ऐसा काम नहीं जो आपका खुदा नहीं कर सकता। किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे आपका खुदा खत्म नहीं कर सकता, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे आपका खुदा खत्म नहीं कर सकता, कोई ऐसी मुश्किल नहीं जिससे खुदा आपका खुदा आपको निकाल नहीं सकता, एक भी नहीं है। वो आपको हर मुश्किल से निकाल सकते हैं, हर बीमारी से शिफा दे सकते हैं, हर प्रॉब्लम से छुड़ा सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब आप उसके हिसाब से चलोगे, हर इंसान खुदा का खुदा बन बैठा है, वो चाहता है खुदा मेरे हिसाब से चले, मैं खुदा के हिसाब से नहीं चलूंगा, खुदा मेरे हिसाब से। मेरे कजन है खाला का बेटा, जो उसका बड़ा भाई, उसने मुझे बपतिस्मा दिया था, उसके छोटे भाई को उसने कहा आप तौबा कर लो, मुझे कहा मैं तौबा करूंगा, और गांव का बड़ा शौक है, मैं तौबा करूंगा, कदा मेरी एक गाने वाली केसर हो तो केसर चल गई होनी, कदा मेरी एक गाने वाली केसर करवा दो रिकॉर्डिंग, मैं तौबा कर लूंगा। मैं कभी क्या बात है, चुप करके बैठ जाओ, तू तौबा करनी है ते खुदा दा तख्त खलोता रहना, तू तौबा नहीं करनी तो तख्त डिग पैना है ना, इसलिए खुदा पहले तेरी गाने की सीढ़ी करावे ते फिर तू तौबा करेगा। मैं कह तो है वड्डा है काम गल दे कि चित्रा नहीं है, समझ आ रही है? हम खुदा के खुदा बनते हैं, आप खुदा के खुदा ना बनो, ऐसे एग्रीमेंट ऐसी शर्तें खुदा के साथ ना रखो, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तू ना भी करे तो क्या बिगाड़ सकता है उसका। अय्यूब ने कहा अगर तू राजपाल है तो अपने लिए, अगर तू गुनाहगार है तो अपने लिए, तेरी राजपाली खुदा को क्या देती है, और तू गुनाह करे तो उसका क्या बिगाड़ सकता है। समझ आ रही है? पहली बात बड़ी प्रॉब्लम है तो मुंह को बंद रखने, दूसरी बात छोटी प्रॉब्लम पहाड़ क्यों बनती है जब हम खुदा की, जो खुदा का है आप उसको खाते हो, दसवां आपका नहीं है। क्लीसिया किसका है? वो खुदा के, आप उसे नहीं खा सके। अगर आप खाओगे तो छोटी सी प्रॉब्लम आपको पहाड़ लगेगी।
प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए, क्योंकि बाइबल ने कहा, खुदा ने कहा, इन्होंने क्या किया है, खुदावन ने यशुआ से कहा उठ, तो क्यों इस तरह उनके मुंह पड़ा है, इसराइल ने गुनाह किया, उन्होंने उस शहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा, ये गुनाह है, ये हुक्म को तोड़ना है, आप हारोगे। मैंने आपको पिछले मैसेज में बताया था कि जंग, आपको मैं नेक्स्ट संडे बताऊंगा कि जंग जीतते किस तरह है, आपको वही बता रहा हूं, जीतने के लिए आपको उसके प्लान पर चलना होगा, जो वो प्लान है आपको उसके मुताबिक चलना होगा। भाई बताते हैं कि जब मिस्र से निकला इजराइली निकले, तो फलस्तीनी जो रास्ता था फलस्तीन का, वो नजदीक पड़ता था जाने के लिए, लेकिन खुदा जान बूझ कर उनको बहरे कुलसम की तरफ लेकर आया। अब उन्होंने कंप्लेन की और खुदा फलस्तीन नजदीक पड़ते हैं तो क्यों बहरे कुलसम की तरफ लेकर आया। जब खुदा आपको लेकर निकलेगा कुछ देने के लिए, तो आपको कुछ रास्ते लगेंगे, ये शॉर्ट ऐसे सही हो सकता था, खुदा ऐसा कर दे, वहां पर आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ रहा है। और खुदा फलस्तीनों लहरे समंदर भी कोनी सी, बहरे कुलसम लहर गया इधर के समंदर है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर वो बहरे कुलसम आगे था तो मेरिकल भी बड़ा था, अगर आपकी आपका सफर लंबा है तो मेरिकल भी बड़ा है। लेकिन शैतान कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये फलिस्तीन वाला ठीक है, ये शॉर्ट है। और आज कलीसिया क्या करती है, खुदा से बहस करना शुरू कर देती है, खुदा का खुदा बनना शुरू कर देती है, ओ खुदा मुझे ऐसे कर देते, ओ खुदा मुझे क्या कहना उसने कहा मुंह को क्या करना है। अब आपको पता है यशुआ ने क्यों कहा था मुंह को बंद रखो, हर कोई भी टीम वर्क है, आर्मी है, कुछ भी है, कोई सब में एक जैसे लोग नहीं होते, घर में एक जैसे नहीं होते। अब यशुआ को पता था ऐसा ना हो जब ये वहां में इस तरह यरू के चिगिर्द चक्कर लगाए, तो दूसरे दिन कोई दूसरा कह ला प्यार मान चक्कर ही लाई देगा, तुमने मुंह को क्या करना है, किसी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा ना कि खुदा के प्लान को तू गलत बोलना शुरू हो जाए, तुमने अपने मुंह को क्या करना है। आज भी जब किसी बहन को पास्टर मेरा बेबी नहीं है, ओके बेटा आप 20 दिन फास्टिंग करो, हर रोज घंटा प्रे करो, नहीं यार स्वीकार लिया करो, ते बाद दुआ करो खुदा को बेबी दे दे। उन्होंने नहीं किया, खुदा ने यरू च चक्कर तू ला लै, ते जब डिग जाएगा उदो असीं टुट जाएंगे। खुदा ने कहा अगर यरू तुसा लेना है ते चक्कर भी, जे बेबी तुसा लेना है ते फास्टिंग भी, फास्टिंग भी आपको लेनी पड़ेगी, अरे शिफा आपने लेनी है तो बपतिस्मा भी आपको लेना पड़ेगा। समझ आ रही है, आप कहते हो शिफा हमारी, चक्कर खुदा तू लगा, वो आपका नौकर नहीं, वो आपका बॉस है, बॉस है वो आपका कलीसिया, नौकर नहीं आपका। अरे आज यही तो हो रहा है, हम उस बात को जेब में रखते हैं। यहां पे जब मैं वहां मीटिंग करता था, सुनो 3 लोगों पर नबूवत हुई, आपको बाइक मिलेगी, 2 लोगों को मिल गई, एक को ना मिली, उसने पास्टर ने नबूवत की थी मुझे बाइक नहीं मिली, 2 ने उन बात को फॉलो किया और दोनों ने जिस तरह मैंने कहा था उसी तरह बाइक मिली, 3 को नहीं मिली। आप क्या समझते हैं, खुदा ने कहा यरू दे दिया, 7 चक्कर मिस कर दिए तो यरू नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब हाथ नीचे आते थे तो वो मार खाते थे, है ना। सुनो मेरे साथ निकालो, खुरूज जो आपने खुदा से लेना है उसके लिए आपको खुदा के हिसाब से चलना पड़ेगा। 17 भाग उसकी 11 आयत हम देखेंगे, समझ आ रही है। मार तो बचना है, तेकी करना है, जेड़ा 10वां किदा है कदा दा कदी तो जी नोट किता, कदी नोट किता जी, जेड़ी बाइब दे विच 10वें दा हिस्सा पा के लिया दी दी ओदे ते बैग लात के टुट दी। कुछ लोगों को जब मैसेज दे दो कहते हो पता नहीं पार्टी लाजली कैनेडा, कहीं भी दो, कहीं भी दो, जहां आपका दिल करना है दो। अब ये नहीं कह रही अब यहीं पे दो, जहां आपको खुदा का रुख करना है दो, लेकिन दो उसकी नाक खाओ,
छोटी प्रॉब्लम एक पहाड़ बन जाएगी अगर आप उसका खाओगे। जी संतरा बाप उसकी यार। और जब तक मूसा अपना हाथ